india.com। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जेपीएससी ए जो मेंस का जो पेपर है आपके 22 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम पे या बहुत जगह पे मैंने देखा था, फेसबुक हो या जहाँ पे भी, कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं कि मेंस के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन सा कैलसी जो है आपका नॉन प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर है वो कौन होते हैं। खास करके सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो क्वेरी आई है वो इसी का आया है। तो जो आप बार बार क्वेश्चन एक चीज़ पूछ रहे हो, तो मैंने इसी पे बेस्ड आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के नाम से, FAQ के नाम से मैंने और आपके ही बनाया है ये वीडियो और आपके लिए ही बनाया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पर फिर से आप जाकर उस क्वेरी को अपना वेरीफाइड करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले, अभी तक जिन्होंने हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस वीडियो को माध्यम से आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो और आपके जो इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ें जो आपको बच्चों को जो सबसे पहले डाउट हो रही है कि टेस्ट सीरीज के बारे में, कि सर कैसे क्या करना है और कब से आपके जो टेस्ट सीरीज है मॉक के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे जो टेस्ट सीरीज जो बच्चे परचेज कर चुके हैं या जो अभी परचेज करने वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आज से अभी से आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोनों पेपर लगभग वो हो चुके होंगे पब्लिश। ठीक है, तो आपको उसके हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। जो मैं ओपन करके रखा हूँ जनरल इंग्लिश के मॉक पेपर जो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था उस समय रेडी हो चुका था, 6 को आपको देख रहे हो, आज का डेट 6 है, आपके ये पेपर पब्लिश हो चुके हैं। ये जनरल आप यहाँ पे जाके अगर आप परचेज किए होगे तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका लिंक हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, आप परचेज करके, नहीं परचेज किए हो तो आप परचेज भी कर सकते हो, बाई करके आता है ऑप्शन वहाँ पे, और परचेज कर चुके तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 घंटे का टाइम दिया गया है। उसके बाद आपके नीचे वाले जो पार्ट दिख रहे हैं ये GS के पार्ट हैं, ये आपके 11/5 यानी कि अभी टाइम हो चुका है इसका, ये भी आपके पब्लिश हो चुके होंगे। उसके बाद जो आपके मैकेनिकल का इमेज दिखा रहा हूँ उसी प्रकार आपके सिविल के भी होंगे। तो पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 7 को आपको पूरा इस तरह से आपको दिया गया है कि जैसे आप पेपर में एग्जाम देने जा रहे हो उस प्रकार का आपको फीलिंग हो। आपको ईमानदारी बरतनी इन चीज़ों में, आपको 1 घंटा में ही टाइम खत्म हो जाएगा। ये आपको 7/1 को आपको ये पब्लिश हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव 1, फिर से आपके 7 को ही आपके 2 से 4 के बीच में ऑब्जेक्टिव 2 चलेगा और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड जो है कन्वेंशनल, उसका जो है आपको 8 को आपके शुरू होंगे 10 बजे से, जो कि 1 बजे तक चलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ये मतलब मैंने एक टारगेट दिया है कि आपको लाइव टेस्ट जो है ये मॉक टेस्ट आपको उसी प्रकार से चलते रहेंगे। समझ गए कैसे चलेंगे? तो आपको अगर मान लो कि एक बार परचेज कर चुके हो तो आपको 10 बजे के बाद आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बारे में जो कन्वेंशनल के बारे में है तो मैंने एक वीडियो और भी अलग से बना के रखा हुआ है, जिनको जो डाउट होती है या मैं क्या करता हूँ कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, कैसे डाउनलोड करके कैसे उसको अपलोड करना है, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। फिर आपके इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट का आपका चलेगा 8 को ही दूसरा पेपर। फिर से आपके ये नहीं कि आपके इतने ही पेपर आ जाएंगे, एक पेपर और कन्वेंशनल का हम लोगों के लिए रखे हैं, ये आपके पेपर 1 के हो गए कन्वेंशनल 1 और पेपर 2 के कन्वेंशनल पेपर 2 हो गया। ये उसी प्रकार जो आपके 2 नंबर पेपर 2, फिर आपके यहाँ पे भी पेपर 2 के हो जाएंगे, पेपर 1 के भी एक और हो जाएगा, पेपर 2 का भी एक और हो जाएगा, यानी कि टोटल आपको 4 हो जाएंगे कन्वेंशनल। तो ये जो आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका 10 तारीख के शेड्यूल में या 11 तारीख को आपको कुछ भी पब्लिश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग हमारे टीचर इसको मार्क्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ, देख लो 4 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ भी देख सकते हो 4 को अब भी शुरू हो जाएगा, तो 2-2 पेपर आपके मिल जाएंगे दोनों के। आप देख सकते हो इसके डिस्काउंटेड प्राइस भी दिए गए हैं, तो आपको बाय करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब आते हैं मेन चीजों पे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन आप टेलीग्राम से पूछे हो, जो जो मेल पे पूछे हो, मैक्सिमम ये सब चीजें हैं जो कॉमन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने से कुछ टाइप नहीं किया, जैसे आप बच्चे ने लिखे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो है आपका कैलकुलेटर के बारे में है, तो इसका ही हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। अब आते हैं कैलकुलेटर के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने इस पिक्चर को भी भेजा है, अब हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देखो 8वां पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कैलकुलेटर के बारे में कि अभ्यर्थियों को खंड 2 के परंपरागत प्रश्न पत्रों के लिए प्रोग्रामिंग रहित, यानी कि प्रोग्रामिंग रहित का मतलब हो गया कि नॉन प्रोग्रामेबल, ठीक है, नॉन प्रोग्रामेबल बैटरी चलित पॉकेट कैलकुलेटर, नॉन प्रोग्रामेबल बैटरी ऑपरेटेड पॉकेट कैलकुलेटर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा भवन में लाने का और उसको उपयोग करने की अनुमति होगी।
इन्होंने ये बताया है और ये बताया है कि आपका जो परंपरागत यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए नहीं करना है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए करना है, ठीक है। अब जो आता है, अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप, मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने एक चीज लिया है, देखो ये कैसियो जो इंडिया है, जो आपका कैलकुलेटर सेल करता है, वहां पे आप जाओगे तो साइंटिफिक के ऑप्शन में आपको तीन तरह के ऑप्शन आएंगे, एक आएगा ग्राफिक्स, एक आएगा प्रोग्रामेबल, एक आएगा नॉन प्रोग्रामेबल। आपको क्या करना है कि नॉन प्रोग्रामेबल पे ऑप्शन पे जाना, नॉन प्रोग्रामेबल पे ऑप्शन पे जाओगे तो आपको दिख जाएंगे इस प्रकार के, और आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, जब आप बीटेक में होंगे, आप किए होंगे इंजीनियरिंग, तो आपके पास भी कैल्सी होंगे, बहुत लोगों के पास 100 mx का रहता है, यहाँ पे पिक्चर दूसरा है, और बहुत सारे तो 991 वाले भी रहते हैं और 82 वाले mx वाले भी रहते हैं। तो उस प्रकार से आपको क्या होता है कि देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैटरी वाले भी हैं, ठीक है, ये भी आपके जो है यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग ये आपके नॉन प्रोग्रामेबल ही कैल्सी है, ठीक है, नॉन प्रोग्रामेबल कैल्सी है, और आपके प्रोग्रामेबल में जाओगे तो दूसरे आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास ये सब है तो आप इसको भी ले जा सकते हो। अब मैं आता हूं मेन चीजों पे, जैसे कि आपका ये ए भी है, आप देख सकते हो, इससे मिला सकते हो, अगर उसमें मेंशन है तो आप परचेज ले जा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, मान लो आप लेके चले गए और अलाउड नहीं हुआ कुछ कंफ्यूजन की वजह से, तो आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे बीपीएससी के मेंस पेपर दिए होंगे, बीपीएससी ए के जो 2017 का जो एडवर्टीजमेंट था, तो बहुत सारे बच्चे उसमें मेंस पेपर दिए होंगे, तो उसमें इस तरह से कैल्सी को अलाउड नहीं किया गया था, उसमें जो नॉर्मल जो शॉप कीपर जो यूज करते हैं कैल्सी, वो अलाउड किया गया था, बहुत सारे बच्चे वही परचेज करके ले गए थे, उन्हीं से उन्होंने कैलकुलेशन को। इसमें थोड़ी सी आसानी ये होती है कि जैसे कि आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तीन इक्वेशन जो होते हैं तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस वो जो होता है उसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको फायदा थोड़ा सा हो जाता है कन्वेंशनल पेपर में, ये अगर कैल्सी लेकर जाते हो तो। आप क्या करना कि आप इस कैल्सी को भी रख लेना अपने पास, अगर एंट्री हो रही होगी इस कैल्सी को तो आप लेकर जाना, नहीं अलाउड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो नॉर्मल जो कैल्सी होती है जो कि शॉपकीपर लोग यूज करते हैं तो वो भी ले जाना, ठीक है, अच्छा रहेगा। और आप दोनों से प्रैक्टिस करो, एक से प्रैक्टिस नहीं करो, दोनों से प्रैक्टिस करो, अगर अलाउड है तब भी ठीक है, क्योंकि इससे तो आपको प्रैक्टिस काफी अच्छा खासा हो गया होगा, लेकिन आपके शॉप जो कीपर वाले जो कैल्सी जो होते हैं उससे आप लोग नहीं ज्यादा यूज करते होंगे तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एडमिट कार्ड कब तक आएगा, देखो कल से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे, और आपको अगर कोई भी एडमिट कार्ड में त्रुटियां मिलती हैं तो आप 21 से पहले उनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए मोबाइल नंबर पे, आपको इसी तरीके से आपको जो मिला होगा, आप जो डाउनलोड किए होंगे शेड्यूल, उसमें ये मेंशन होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये मिल जाएगा। एक आ रहा है क्वेश्चन, वन डाउट इज विल देयर बी क्वेश्चन फ्रॉम झारखंड इन जीएस पेपर, तो ये मैं बता देता हूँ। देखो पहले बार जो पेपर 2013 का जो पेपर है उसमें आपको एक क्वेश्चन स्लाइटली बने की मिक्स है एक क्वेश्चन, लेकिन अभी जो आप दिए थे, जो आप प्री एग्जाम दिए थे, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था वहां के चीफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मान के चल सकते हो, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने यूपीपीएससी ए का भी पेपर दिया था, उसमें भी मेंशन नहीं था कि आपके यूपी से बेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपी पे बेस्ट थे, जैसे कि एक स्वच्छ वाले कि कौन सा सबसे साफ शहर है यूपी का, और एक और क्वेश्चन थे। तो आपको उसी प्रकार से यहाँ के लिए भी कम से कम मिनिमम मान के चलो, क्योंकि पहले तो ये 100 क्वेश्चन होते थे लेकिन अब 50 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपसे हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हल्का सा रफ आइडिया आपको लेकर चलना होगा सेफ होने के लिए। अब एक और लड़के का था कि भाई लोग जेपीएससी ए का सेफ स्कोर क्या रहेगा, मैं ये चीजों को क्वेश्चन को कोई रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि ये चीजें हाइपोथेटिकल हैं और ये चीजें बहुत ही छोटी चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है आप लोगों को कि जैसे ही आपका पेपर जो होता है ये डिसाइड नहीं करता है पेपर होने से पहले कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, पेपर होने के बाद कितने टोटल टफ क्वेश्चन थे, कितने मॉडरेट क्वेश्चन थे, कितने इजी क्वेश्चन थे, इन सब पे कितने बच्चों ने वहां पे प्रेजेंट किए, कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़े, इन सबको मिला के एक जो होता है वो आपका सेफ स्कोर बनता है। तो ये एग्जाम होने से पहले ना आप लोग इसको निगलेक्ट करके चले, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने सोचें, 1200 कोई बोल रहा है, कोई कितना भी बोल रहा है, लेकिन आप अपने से खुद से स्वयं से एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश करें, ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। अब आती है सर जीएस में कौन कौन टॉपिक आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो टेक्निकल का क्या होता है, टेक्निकल में तो बहुत सारे बच्चे सीधे सीधे सिलेबस दिया रहता है,
अब आती है बात इंग्लिश और आपका जीएस का, जो कि एक के दिन में है, आपका एक दिन में ही पेपर हो जाएगा। और उसमें भी क्या होगा कि जीएस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर से क्या आएगा, ज्योग्राफी से क्या आएगा, या हिस्ट्री आएगी कि नहीं आएगी, कौन सा हिस्ट्री आएगी, मिडेवल आएगा, एंशियंट आएगा, कौन सा आएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउट होता है उनके अंदर में। तो मैं कुछ टॉपिक्स जो आपके हैं, जो आ सकता है, जो प्रीवियस में आया है जिनसे रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको आते हैं, आगे चलते दिखाते हैं। देखो अब जो आता है आर्ट एंड कल्चर से, ध्यान देते जाना। देखो मैं जब चीज़ें ये सब बोल रहा हूँ ना, तो ये सब चीज़ें जो हो सकती है करंट अफेयर्स में भी आएगी। मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सा होगा। आर्ट एंड कल्चर में मंदिर वंदिर के बारे में पूछता है आपका, कहीं का रीति रिवाज पूछता है, वेशभूषा भी पूछ सकता है। तो आर्ट एंड कल्चर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका करंट अफेयर्स में भी बन सकता है या नॉर्मल क्वेश्चन भी, स्टैटिक्स भी हो सकते हैं। आप फिर आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारे टेस्ट सीरीज में आप इन सभी से आप क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। जितने भी आपने प्री के लिए भी जो दिए थे, सॉरी मैंने दो टेस्ट सीरीज अभी जो मॉक चल रहे हैं, मॉक के लिए भी इसमें आप क्वेश्चन देखोगे, और जो उसके पहले जो बूस्टर जो हुए थे, बूस्टर में भी आप इस सब टॉपिक को मेंशन देखोगे, ठीक है। फिर सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये आपका करंट अफेयर्स में आ जाते हैं और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स, आपको पता है हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका होता है इससे। स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स में आपके क्या होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अवार्ड से बन गया, अवार्ड ऑफ में आईसीसी अवार्ड किसको मिला, ठीक है। इस बार जो हुआ आपका बहुत सारे जो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, करंट अफेयर्स भी हो जाते हैं। फिर आपके स्टैटिक टाइप्स के हो जाते हैं, कितने प्लेयर होते हैं, कितने क्या होते हैं, तो आपको इसको दोनों में मेंशन करके चलना है, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो ऐसे नॉर्मल होते हैं, अब जैसे कि बहुत सारे फिल्मों के अवार्ड्स होते हैं, आईफा अवार्ड होते हैं, या आपके हो गए जैसे कि और भी बहुत सारे जो अभी होते हैं, खास करके जो पॉलिटिक्स के अगर अवार्ड की हम बात करते हैं, तो इस बार का भारत रत्न किसको मिला, ऐसे ऐसे हो जाते हैं आपके। फिर उसके बाद बहुत सारा जो आपको देखते हो, जितने अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके पास बुक है उससे पढ़ लिया करो। गवर्नमेंट्स स्कीम, इस साल में क्या क्या स्कीम थी, किसके लिए ये स्कीम थी, कितने पैसे इस पर खर्चे होते हैं, जैसे कि किसान को कितने मिलते हैं पैसे, तो 6,000 मिलते हैं जो किसान वाले हैं। तो उस प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। इकोनॉमी बेस्ड भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपके पूछेगा कि जीएसटी से भी पूछ सकता है। फिर आपके बहुत सारे जो अभी जो खास करके जो डाउन चला गया था इकोनॉमी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। रिपोर्ट्स भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का ये रिपोर्ट में कितना पैदान है, कौन से नंबर पे है, ये भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके करंट में भी बन सकते हैं, जैसे कि अभी इस कोरोना काल में ही बहुत सारा चीज़ें अभी हुआ, खास करके उड़ीसा में, बंगाल में, जिस तरह से फनी तूफान ये सब जो आए हैं वो आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से भी, तो अब हिस्ट्री में तीनों मान के चलो, ठीक है, तीनों हिस्ट्री में पढ़ के जाना है आपको। ज्योग्राफी में भी आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है और थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है। टाइम तो नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़े हुए हो तो आप एक काम करना कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा ऊपर से ऊपर देख लेना, ठीक है। पॉलिटी में खास करके मैं बता देता हूँ कि जो आपके स्पीकर वगैरह, जो लोकसभा राज्यसभा से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होते हैं वो भी होगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी होंगे, आर्टिकल्स भी होंगे, इन सब चीज़ों से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं ऊपर ऊपर का मोटा रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब साइंस में भी आता है, तीन साइंस भी होते हैं आपके, बायो हो गए आपके, आपके केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, इन तीनों से भी क्वेश्चन प्रीवियस में भी पूछे गए हैं, आपको इस बार भी पूछे जाएंगे। एक आता है आपका झारखंड जीके, झारखंड जीके में कोई जरूरी नहीं, जैसे बीपीएससी में कोई जरूरी नहीं था, पूछा था नहीं पूछा था, एक नंबर के दो नंबर के पूछे, उसी प्रकार आपके झारखंड में भी अगर एक नंबर का पूछ दे करंट से पूछ सकता है, या दो नंबर के पूछ दे, एक स्टैटिक पूछ दे, करंट पूछ दे, ये भी हो सकता है। एक जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में जो यहाँ पर भूल रहा हूँ वो है आपका कंप्यूटर, और जो आप 2013 के पेपर देखोगे ना, उसमें आपके कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 आपके एब्रीविएशन थे, आप देखे होंगे 100 में से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए थे। तो आपको क्या करना है, जो एब्रीविएशन कभी कोई भी अगर कंप्यूटर के आपके पास कोर्सेस हैं या बुक्स हैं, तो आपके लास्ट में जो ना एब्रीविएशन दिए रहते हैं, तो आप उसका यानी कि फुल फॉर्म वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके हो गए सिलेबस पूरे जीएस के। अब आपको पढ़ने कहाँ पे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे भी ये सब चीजें मिल जाएंगी। कुछ चीज़ों को मैंने करंट अफेयर्स के तौर पे पहले वीडियो के थ्रू डाल चुका है, तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, संस्कृत के, और आपके अवार्ड्स एंड ऑनर के, आप जा सकते हो हमारे चैनल पे, डाला हुआ है। तो आप ये मत सोचो कि आपका इधर कहीं आएगा, करंट अफेयर्स आपका जून जुलाई का भी आ सकता है, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्प जरूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें रहा आपको इसके बारे में। और भी कोई डाउट
अगर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको एक ओवरव्यू बता दिया हूं। अब आते हैं टेस्ट सीरीज जिनको परचेज करना है उन पे। देखो ऐसे ये टेस्ट सीरीज 599 का अगर टोटल लेते तो आपको पड़ता, लेकिन अभी ये 10 तारीख तक 499 में अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला जो कॉम्बो पैक है ये, ठीक है, जेपीएससी ए सिविल हो या जेपीएससी ए आपका मैकेनिकल के लिए हो तो ये 499 में आपके पूरे कोर्स मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के, जो भी आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है आप देख सकते हो। ये केवल अगर बूस्टर लेना चाहते हो तो 299 दिख रहा है, 399 दिख रहा है, ये आपके 299 में मिल जाएंगे, सॉरी 399 है, 299 में आपको अवेलेबल है। मॉक भी आपका 399 दिख रहा है यहाँ पे दोनों के लिए, ये भी आपके 299 में आपके मिल जाएंगे। ये आपके 199 में दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके 149 में मिल जाएंगे, ठीक है। कन्वेंशनल के लिए केवल चार पेपर जो है, पेपर वन के पेपर दो होंगे, पेपर दो के दो पेपर होंगे दोनों में, ठीक है, ये आपके 149 में मिल जाएंगे। नॉन टेक्निकल और जो बूस्टर की बात करते हैं ये आपके 99 में है, तो ये भी आप वेबसाइट पे देख सकते हो, जो वेबसाइट का नाम है आपका exam.indiabot.com। इंडिया बट पे भी जाओगे तो आपको टेस्ट में मिल जाएगा ऑप्शन नीचे में, लेकिन अगर exam.indiabot.com खोलते हो तो सीधे आपका टेस्ट सीरीज में जाके आप वहां पे देख सकते हो और आराम से परचेज कर सकते हो बाय दिस टेस्ट सीरीज का। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी एडमिन को आप कॉल मैसेज कर सकते हो, कॉल का भी सुविधा हम लोगों ने नहीं दिया है, या यहाँ पे आपको फेसबुक का वो मैसेंजर टाइप का बनकर आता है लोगो, आप वहां से उसको आप कनेक्ट करने का कोशिश कर सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप बहुत सारी चीज़ आपको हेल्प हो जाएगा, और बहुत सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो आप लोग देख लेना। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।